हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर आज हम बात करेंगे आपके सुपर टेट, टेट और सीटेट, मतलब तीनों को एक साथ कैसे। तो वैसे मेनली मेरा पर्पज ये है कि मैं सुपर टेट पे फोकस करूँगा, लेकिन सुपर टेट, टेट सीटेट छोड़ के नहीं आता। तो आप टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुपर टेट की तरह तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वीडियो, क्योंकि यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन सी ऐसी बुक्स थी जिन्हें हमें टेट में भी पढ़ना पड़ा, सीटेट में भी पढ़ना पड़ा, और वही अब सुपर टेट में भी पढ़नी है। तो ध्यान रखना, अगर ऐसी बुक आप चूज करेंगे तो आपको अभी अगर आप टेट सीटेट कर रहे हैं तो फ़ायदा ही है, उसके बाद सुपर टेट में भी फ़ायदा होगा उन बुक्स का। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर आपके टेट के लिए या सीटेट के लिए बनाई जाएंगी, या फिर कुछ ऐसी होती हैं जिनमें ऐसा कंटेंट रख दिया जाता है जिससे कि वो तीनों में काम करती हैं। तो मैं यहाँ पे ये भी चर्चा करूँगा इस वीडियो में, और आप लोगों के कमेंट आए हुए थे, मैंने देखा था कि मेरी वीडियो पे ज़्यादातर कमेंट ऐसे थे जिनमें ये पूछा हुआ था कि सर हर एक विषय की अलग वीडियो बनाइए, कौन सी बुक्स पढ़नी है और कैसे, कौन से में अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये भी था आप लोगों का कमेंट में कि ये सर जो सुपर टेट है वो क्या मार्च में होगा। तीसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि जो हमारा सुपर टेट की तैयारी हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमें सबसे अच्छे तरीके से करने के लिए कम समय में ज़्यादा तैयारी कर सके और वो अच्छी तैयारी हो जाए जिससे कि जो आने वाला सुपर टेट है वो हमारा अच्छा हो। मेनली एक चीज़ और ये थी कि आपका अगर सुपर टेट मार्च में है भी, अगर नहीं है तो फिर कब हो सकता है। तो दोस्तों सारे विषय पर चर्चा करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो मैं बता दूँ कि मैंने जो बुक्स पढ़ी हुई थी, ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ और लेके आया हूँ, वो है क्या, वो आप देखेंगे, पीडीएफ में दिखाऊंगा यहाँ पे, और वो पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन लिंक में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चला जाएगा, वहाँ लिंक मिल जाएगी। तो सबसे पहला काम, वैसे तो एक मैंने अपना पर्टिकुलर सुपर टेट का ग्रुप बनाया हुआ है और टेट सी टेट के लिए हमारे ग्रुप बने हुए हैं, अगर आप उनमें जुड़ना चाहते हैं वहाँ पे आपको और चीज़ें भी मिलेंगी इसके अलावा, जैसे कि हो सकता है कभी कभी पीडीएफ क्रिएट करने में प्रॉब्लम आती है नेट वगैरह की, तो फिर मैं डायरेक्ट ही उनको पिक को इन ग्रुपों पे डाल देता हूं। तो आप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, उसकी लिंक आपको सुपर टेट की, टेट की और टेलीग्राम लिंक भी मिल जाएगी, उन लिंकों को आप ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप टेट सी टेट या मतलब अध्यापक पात्रता परीक्षा से या अध्यापक बनने चाहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह होगी कि जो मैंने बुक्स पढ़ी हुई थी और मैंने फर्स्ट टाइम दिया हुआ था 2018 में टेट, तो वहां पर हमने फर्स्ट टाइम में 122 स्कोर किया हुआ था, ठीक है, उसको मैं कई बार शो भी कर चुका हूं, अगर आपको जरूरत हो तो आप बोल देना, आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, सुपर टेट, अब सुपर टेट का रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ लेकिन 120 अप्रोक्स वहाँ भी हैं, बिल्कुल ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब आप देख एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टेट में भी उतना ही स्कोर और सुपर टेट में भी उतना ही स्कोर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऐसा कंटेंट पढ़ो जो दोनों में काम आए, ठीक है। तो वो कंटेंट कैसे पढ़ना है, कैसे तैयार करना है, देखिए बहुत सारे कमेंट ऐसे थे जो इंग्लिश, पर्टिकुलर इंग्लिश और संस्कृत पे भी बात कर रहे थे। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, यहाँ पर सबसे पहला एक सबसे ज़्यादा कमेंट ये आ रहा कि सर 14 सब्जेक्ट कौन से होते हैं, क्या हकीकत में 14 सब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों आपको बता दूँ, 14 सब्जेक्ट नहीं होते, ठीक है, टॉपिकों को अलग अलग हमने बांट दिया और बोल दिया ये सब्जेक्ट बन गए, ठीक है। जैसे एक भाषा होती है, अब एक भाषा का मतलब हो गई सारी भाषाएं इकट्ठी, मतलब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तेलुगु, मद्रासी, जो भी इतनी भाषाएं हैं सारी, अब उनको अलग अलग कर दो तो बहुत सारी भाषाएं होंगी। इसी तरह से क्या है, हमारे सुपर टेट का सिलेबस है, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल ना लें, देखिए मैं यहाँ पे, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं बुक का प्रचार कर रहा हूँ, तो देखिए मैं ना तो लिंक में आपको परचेज करने की कोई लिंक दे रहा हूँ कि वहाँ से खरीदिएगा, ना ही किसी एक पब्लिकेशन की बुक प्रेफर कराऊंगा आपको, क्योंकि एक पब्लिकेशन की बुक प्रेफर कराने का मतलब है आपको वो अच्छी लगे या ना लगे, क्योंकि जो आपको ऐड करने के लिए पैसे देंगे वो ये चाहेंगे कि आपकी जो बुक है वो बेशक बेकार हो लेकिन आपको अच्छी बतानी पड़ेगी ये बुक, और आपको परचेज करानी है वो बुक। तो मैं इसीलिए, आप दुकान पे जाइएगा, लिंक मैं इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है फालतू के पैसों की, क्योंकि मुझे वो चाहिए आपका प्यार, आपको वो बुक अच्छी लगेगी, आप पढ़ेंगे, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि आपका रिजल्ट अच्छा रहा तो हमें अच्छा लगेगा। तो ध्यान रखना दोस्तों कि परचेज कराने का, अगर लिंक से हम आपको खरीदवाएंगे तो हमें तो फ़ायदा है लेकिन आपका नुकसान है उसमें, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि आपका नुकसान हो, इसलिए मैं वही बुक लेके आया हूँ जो 100% सही हैं। देखिए एक पब्लिकेशन आता है जिसका नाम है घटना चक्र, दूसरा पब्लिकेशन आता है जिसका नाम है यूथ पब्लिकेशन, माइंड में बिठा लो, एक घटना चक्र और दूसरा यूथ और तीसरा एक आर्यंत।
अब ऐसा नहीं है कि यूथ की सारी बुक अच्छी हैं, घटना चक्र की सारी बुक अच्छी हैं और अरियंत की सारी अच्छी हैं। हालांकि बहुत सारे पब्लिकेशन है ल्यूसेंट में, मतलब कोई सा भी ले लो आप पब्लिकेशन, लेकिन हर पब्लिकेशन की हर बुक अच्छी नहीं होती। किसी का कोई सब्जेक्ट की बुक अच्छी है तो किसी की किसी सब्जेक्ट की बुक अच्छी है। हालांकि आपकी जो बेसिक नॉलेज है, जो आप पढ़ते हैं बुकों से, ज्ञान है आपके पास, वो तो हमेशा काम आएगा, लेकिन बुक का ज्ञान कैसे आपको प्राप्त करना है उसकी जानकारी देता हूं मैं, ठीक है। तो एक चीज बता दूं, जो अफवाह चल रही थी कि मार्च में आपका सुपर टेट होगा, बिल्कुल गलत है। कोचिंग वालों का कहना यह होता है कि अगर अभी हम मार्च में बोल देंगे तो बच्चे, हालांकि मैं ये चाहता हूं कि बच्चे ज्वाइन करें कोचिंग, पढ़ें अच्छे से, लेकिन कोचिंग वालों का उद्देश्य यह होता है कि अगर अभी बोला मार्च में है तो कुछ बच्चे तो अभी ज्वाइन कर लेंगे, मार्च में पेपर होगा नहीं, मार्च में फिर बोलेंगे मई में पेपर है तो फिर बच्चे हो जाएंगे ज्वाइन करेंगे। मतलब ये होता है कि अभी तक किसी को कुछ भी क्लियरेंस नहीं है, किसी को डेट प्रोसेस ही नहीं चल रहा अभी तक। बात तो ये है ना कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, एक प्री प्लान होता है, तैयार किया जाता है, उसके बाद देखो पहले तो अनुमति ली जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई डायरेक्ट सीपर डेट करा दो, नहीं, दो तीन जगह से अनुमति ली जाएगी, वहाँ से अनुमति मिलने के बाद लास्ट टाइम पे जब उसको प्रोसेस भेजा जाता है, वो भी न्यूज़ आपको मिल जाती है कि अब PNP ने या फिर कह सकते हैं सरकार ने संस्था आयोग से कहा है कि ये परीक्षा कराइए, तो ऐसी न्यूज़ जैसे ही आएगी आपको मिल जाएगी, तो समझ लेना वहां से अब स्टार्टिंग हो रही है सुपर टेट की तैयारी की। अभी तक ऐसी कोई न्यूज नहीं है, इसका मतलब कोई डेट नहीं है अभी सुपर टेट की तैयारी की। अब मैंने इससे वीडियो, पहले के वीडियो में वो लोग पूरी वीडियो देखते ही नहीं है, हम जो चीज वीडियो में बताते हैं वही कमेंट में करके पूछते हैं, इसका मतलब क्या है, वीडियो फुल नहीं देखा। कोशिश ये करिएगा 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट की अगर एक वीडियो देखेंगे आप, तो आपको वो क्वेश्चन नहीं पूछना पड़ेगा जो आपके अंदर आ रहा था, क्योंकि वो क्वेश्चन मैं कब बता पाऊंगा कोई पता नहीं है, वीडियो में कब आपका कमेंट आ पाएगा, तो इसीलिए एक बार वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने जो बात की थी कि आपका सुपर टेट कब होगा, तो मैं बता दूं आपको, अभी चल रहा है आपका फरवरी, ठीक है, और मार्च अप्रैल में भी इसके कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो आप अभी मान के चलिए मिनिमम 3 से 4 महीने तो आपके पास हैं, मिनिमम, मैक्सिमम में मैं कुछ नहीं कह रहा, 6 महीने 8 महीने लग जाए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। ध्यान रखना, लास्ट के 3 महीने की तैयारी में कोई सुपर टेट में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है। हाँ, अभी से कुछ सब्जेक्ट ऐसे मजबूत कर लो जिससे आपकी तैयारी में कोई दिक्कत ना आए, जैसे कि हमने कहा 2-3 सब्जेक्ट हमारे अच्छे हैं, बाकी सब्जेक्टों को कमांड कर लेंगे उस टाइम में। जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं वो अभी पढ़िएगा, ठीक है, और बाकी सब्जेक्टों पे भी ध्यान दीजिएगा जब फ्रेश माइंड हो। मतलब अपना तैयारी करने का तरीका खुद बनाइएगा, किसी के मतलब तरीके समझिएगा क्या कहना चाह रहा है और अपने हिसाब से बनाइएगा। किसी ने कह दिया इतने घंटे इतने टाइम पढ़ना है, ये सब्जेक्ट इतने टाइम पढ़ना है, ये इतना पढ़ना नहीं पढ़ना है, आपकी मर्जी जो करती है, आपका माइंड जो कहता है। अब आप क्रिएटिव बनिएगा, ठीक है, और क्रिएटिव जो होगा वो अपना आइडिया अपने विचार खुद से लेके आएगा माइंड में और उसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा। तो वही काम आपको करना है, जिस दिन आप ये चीज़ समझ जाएंगे उस दिन आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, बुक की अगर बात करें, देखिए छोटा सा आप यहाँ पे ले लेते हैं एक पार्ट बुक का। मेरे पास बुक की अगर बात करें तो बहुत सारी बुक हैं, ये घटना चक्र की बुक आप देख रहे होंगे, ठीक है। इस घटना चक्र की बुक से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था मुझे, हालांकि अब ये इस घटना चक्री बुक में है क्या, आप देख रहे होंगे शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए हमें 10 मॉडल प्रश्न पत्र इसमें दिए गए थे, ठीक है। अब इन मॉडल प्रश्न पत्रों में था क्या, अब आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें एक एक करके आप देखिएगा। हालांकि इसमें एक सुविधा और थी, देखो OMR की भी, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनकी OMR दी हुई थी, ठीक है। तो आप यहाँ से एक फोटो कॉपी भी OMR की निकाल सकते हैं, पूरा का पूरा दिया होता। इसमें जिस तरह का सुपर टेट का पेपर आता है टॉपिक वाइज बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ था, और मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये प्रैक्टिस के लिए था, ये फ़ायदा ये था इसका कि आप लोगों, मैं बता रहा हूँ कि जो करंट की बात आती है ना, देखिए जो करंट की बात आती है वो आप कर सकते हैं यहाँ से तैयार, ठीक है, करंट भी यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें करंट के क्वेश्चन भी दिए हुए, मतलब जैसा पेपर में आता है वो वैसा दिया हुआ था, जितने इसमें क्वेश्चन करंट के दिए हुए हैं आप अच्छे से तैयार कर लेना, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये सारा पूरा का पूरा पेपर हमारा लगा हुआ है, हमने सुपर टेट में लगाया था, और यहाँ से सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा, हर पार्ट में देखा जाए उससे भी ज़्यादा फायदा था इससे। देखिए हालांकि ये प्रैक्टिस सेट है घटना चक्र का, और प्रैक्टिस सेट लेना बहुत ज़रूरी है आपका,
ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम पे प्रैक्टिस सेट लेंगे, हाँ लास्ट टाइम पे सबसे ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस सेट में देंगे, लेकिन अभी प्रैक्टिस सेट आप ले लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपका एक अच्छा स्कोर आए। क्योंकि प्रैक्टिस सेट जब आप ले लेंगे, आप अभी 8 दिन में एक लगाइए, संडे टू संडे लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 दिन में आपका माइंड रिमाइंड कर लिया करेगा कि क्या क्या कितना कितना पूछा जाता है सुपर टेट में। क्योंकि आप अभी खुद फील करिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कितनी भी तैयारी कर रहे हैं, खुद फील करो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, अभी नहीं आपके माइंड में बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जब 8 दिन में आप एक मॉडल पेपर लगाएंगे तो आपके माइंड में घूम जाएगी वो बात कि आज वाकई में समझ में आया कि क्या सुपर टेट में पूछा जाता है। तो मॉडल टेस्ट पेपर जरूर ले लीजिएगा, और मैं तो प्रेफर करूंगा घटना चक्र का, कोई लिंक नहीं है, आप बाजार जाइएगा आराम से देखिएगा क्या ये कोई मतलब हमारे लिए सही है या नहीं है, ठीक है। थोड़ा ये भी देख लीजिएगा, ज़्यादा ओल्ड मत ले लेना, मतलब पुराना वाला, पिछले साल वाला जो मैं दिखा रहा हूँ ये पुराना ही है, नया वाला ले लेना। हाँ अगर नया नहीं है अवेलेबल अगर अभी, तो आप पुराना भी ले सकते हैं, क्योंकि वो बदलेगा नहीं, करंट बदल गई है, इसलिए मैं प्रेफर इसीलिए कह रहा हूँ कि नया लेना, क्योंकि करंट होती है वो चेंज होती रहती है, बाकी चीज़ें तो नहीं होंगी लेकिन करंट का बहुत बड़ा रोल रहता है। पिछली बार अगर आप देखेंगे समसमायिकी वगैरह से 30 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो समसमायिकी मतलब GS, अब GS से पूरा GS बहुत बड़ा है, 30 क्वेश्चन आते हैं, और अगर मैं एक बात बोलूं यहाँ पे कि 20 करंट के हैं उसमें से, तो आपको कुछ समझ में आएगा? बिल्कुल आएगा। कि 2 क्वेश्चन संविधान से थे पिछली बार, अब 2 क्वेश्चन संविधान के हैं, वो इजी थे, आराम से आपसे भी बन जाएंगे, ठीक है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है तो करंट पे करना है, और हमें आपको अगली वीडियो में ये पूरा प्रूव करके दिखाऊंगा कि वाकई में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो करंट के थे और 20 क्वेश्चन थे, मैं तो ये कहूँगा 20+ थे 30 में से। आप खुद सोचो किसका सबसे बड़ा पार्ट है, करंट का है, और करंट कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, मैं सारा का सारा आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे ये वीडियो हमारा जो है बहुत ज़्यादा